बिहार की तमाम आवाम जी रहे हैं भय में। आखिर कौन दे रहा है अपराधियों को संरक्षण? क्यों सुरक्षित नहीं है बिहार के पत्रकार और थानेदार? कौन है इस गुंडाराज का जिम्मेवार? जवाब दीजिए नीतीश कुमार। राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव जी के आह्वान पर दरभंगा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर सेंट्रल लाइब्रेरी से इनकम टैक्स चौराहा तक निकाला गया आक्रोश मार्च। साथ ही छात्र जिला उपाध्यक्ष पप्पू कुमार यादव और छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार आक्रोश मार्च में मौजूद थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आक्रोश मार्च निकाले हैं? जी, आक्रोश मार्च जो निकाले हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव भैया के आह्वान पर हम लोगों ने आक्रोश मार्च निकालने का काम किया है। आक्रोश मार्च बिहार में दिन प्रतिदिन लूट हत्या अपराध और चीज चोर की जो बढ़ रही है उसके खिलाफ हम लोगों ने आक्रोश मार्च निकालने का काम किया है। जैसे कि देख लीजिए अभी समस्तीपुर में एसएचओ की हत्या कर दिया जाता है दिन दहाड़े और गोली मार दिया जाता है। इसी प्रकार अररिया जिला में पत्रकार महोदय को जो है गोली मार के हत्या कर दिया जा रहा है। और मतलब कितना गिना है, हम लोग जैसे कि देखते हैं कि 14 साल की बच्चा 10 साल की बच्चा के साथ जो है सो रेप कांड होता है उसका कोई जो मतलब कि कहने सुनने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस पर कुछ एक्शन लेने का काम नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना रोटी सेकने के लिए अपना केंद्र में जाने के लिए प्रधानमंत्री बनने के फिराक में बिहार को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं और इसी के लिए इसी के खिलाफ हम लोगों ने आक्रोश मार्च कहाँ निकाले आक्रोश मार्च? आक्रोश मार्च जैसे कि हम लोग गए तो मतलब कि सेंट्रल लाइब्रेरी से इनकम टैक्स चुरा तक निकालने का काम किया। पुतला धन किसका किया? पुतला धन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का पुतला धन करने का काम किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार यादव, छात्र जिला अध्यक्ष दरभंगा। जिस तरह से बिहार में जंगल राज की पुनर्वृत्ति हुई है, जिस तरह से आम पब्लिक को पता रहा ही, लेकिन अब इस तरह से नीतीश सरकार में चाचा भतीजे की सरकार में पुलिस प्रशासन और पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से अररिया में पत्रकार की हत्या हो जाती है, समस्तीपुर के मोहनपुर थाना के एसएचओ की हत्या हो जाती है, निश्चित रूप से ये हत्या दर्शाती है कि कहें न कहें नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव की सरकार में जो अपराधियों की संरक्षण मिल रहा है, इस संरक्षण से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। बिहार में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। बिहार में जंगल राज की रिटर्न है, जंगल राज उन्हें आ चुका है। उसी कड़ी में हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आकाश यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला जलाने का काम किया। उसी कड़ी में आज दरभंगा में आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया और आक्रोश मार्च निकाल करके सरकार को ये बताना चाहते हैं हम लोग कि अब नीतीश जी आप मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब आपसे बिहार को तो आपने बर्बाद कर दिया, अब आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं जो सपना है आपके लिए। अब आप राजनीति से इस्तीफा ले लीजिए और आप संन्यास में चले जाइए। और निश्चित रूप से जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने यादव की हत्या पर जो यादव को ठगने का काम किए, जो यादव तेजस्वी यादव को हमेशा वोट करने का काम किए, लेकिन वही तेजस्वी यादव अररिया में विमल यादव की हत्या, मोहनपुर की एसएचओ नंदकिशोर यादव की हत्या पर एक ट्वीट तक नहीं कर पाए, ट्विटर हुआ न उनके परिवार से मिले, क्या जवाब देंगे तेजस्वी यादव जी उस विधवाओं के? क्या जवाब देंगे विमल यादव के पिता के जिन्होंने अपने दो दो बेटा का खोने का काम किए? निश्चित रूप से छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र सरकार से और हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस चाचा ने भी केंद्र सरकार से मांग की है कि बिहार में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त किया जाए। क्योंकि जिस तरह से बिहार में स्थिति है, निश्चित रूप से यहाँ की तमाम आवाम भय और डर के माहौल में जी रहे हैं। प्रवीण कुमार प्रशांत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी।